हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राहुल इंडिया एंटरटेनमेंट। अक्सर क्या होता है कि हमारी गाड़ी के एसी कम ठंडक करते हैं, हवा भी कम फेंकते हैं। तो मेरे पास KUV 100 है। कभी कभार इसके एयर फिल्टर जो है, जो एसी का एयर फिल्टर होता है, वो बहुत गंदा हो जाता है, इसीलिए हवा ठंडी कम फेंकता है। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ, कितना आसान है, आप घर में भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये KUV 100 है। तो सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड जो है यहाँ से खुलता है इसका, और ये आराम से निकल जाएगा ऐसे। इसको आप थोड़ा सा साइडों से दबाएंगे और ये आराम से ऐसे निकल जाएगा। इसको साइड रखेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो होता है, ये इसका एसी का एयर फिल्टर होता है। इसको निकालने के लिए जो साइड में यहाँ पे लॉक्स होते हैं, इसको आप थोड़ा सा दबा के खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा इस तरह से। ये देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है ये एसी का, इसका फिल्टर है। इसको अभी हम क्लीन करेंगे और इसको वापस गाड़ी में लगाते हैं। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं पहले ले जाके। तो अभी आप देख रहे हैं इसका जो फिल्टर है, आप देख रहे हो कितना गंदा है इसके अंदर। इसके अंदर से हवा तो पास ही नहीं हो सकती है। ये आप देख सकते हैं अब कितना साफ़ हो गया है, बिल्कुल आर पार दिख रहा है इसके अंदर। तो मैंने इसे थोड़ा सर्फ और ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लिया है। तो जब भी अगर एसी कम ठंडा कर रहा है आपका, तो सबसे पहले आप इसको खुद साफ़ कर लें, क्योंकि कई बार मैक्सिमम टाइम यही होता है कि इसको साफ़ करने से एसी काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। तो चलिए इसे वापस गाड़ी में लगाते हैं हम। तो अभी ये साफ़ कर लिया, अब जैसे हमने निकाला था सेम उसी तरीके से हम इसको वापस लगाएंगे। तो जब मैंने निकाला था तो मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे एक एरो का साइन है जो कि नीचे की तरफ था। मैं वापस उसी डायरेक्शन में इसको लगा दूँगा। अब इसको दोनों तरफ से दबा देंगे, क्लिप से टाइट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है। और अब वापस से हम इसका ये जो है इसको वापस लगा देंगे इसके अंदर। इसको लगाना ही बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे और ये हो गया। थोड़ा चला लेता हूँ पहले। तो भाई क्या हवा आ रही, देखना सही में साफ़ करते क्या मज़ा आ गया। काफ़ी तेज़ हवा अब फेंक रहा है, पहले जो था ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा था, बहुत कम हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पंखा हवा ही नहीं फेंक रहा है। और अभी इसको मैंने क्लीन कर दिया है, काफ़ी तेज़ हवा आ रही है और ठंडा भी बहुत जल्दी कर रहा है। तो बिल्कुल ये मिशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप चाहे अपनी गाड़ी को भी इसी तरह मैकेनिक के पास ले जाने से पहले क्लीन कर लें, और हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बच जाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये ट्रिक समझ आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आगे कोई नई वीडियो बनाऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।